आज अमेरिका को उसके घर में कुचलकर T20 विश्व कप में तूफान मचाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित कर दिए सबसे घातक प्लेइंग 11। भारतीय टीम में कर दिए हैं दो चौंकाने वाले बड़े बदलाव। बदल गई है ओपनिंग जोड़ी, अब कोहली नहीं है गसियर करेगा ओपनिंग, और भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 देखकर तो अमेरिका के भी सूख गए होंगे पसीने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज भारतीय टीम और अमेरिका के बीच में T20 विश्व कप 2024 के अंतर्गत सबसे बड़ा एवं रोमांचक महामुकाबला खेला जाने वाला है। ऐसे में इसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी खतरनाक रणनीति तैयार करते हुए सबको चौंका दिया है। तो ऐसे में आखिरकार यह महामुकाबला आज कब और कहां कितने बजे के लिए खेला जाने वाला है, इसके लिए टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, अब तक भारत और अमेरिका के T20 इंटरनेशनल में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, कौन सी टीम जीत के मुख्य दावेदार है, और क्यों यह महामुकाबला सबसे बड़ा माना जा रहा है, और भारतीय प्लेइंग 11 सहित इस मुकाबले से रिलेटेड बहुत कुछ आपको इस ब्रॉड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। T20 विश्व कप 2024 के हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें T20 विश्व कप 2024 एक से एक रोमांचक महामुकाबलों के लिए जाना जा रहा है। इसमें रोमांच की हदें पार कर देने वाले लो स्कोरिंग महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अपने ग्रुप में अगर हम बात करें तो भारतीय टीम अब तक T20 विश्व कप 2024 में अजय रही है। इसने दो महामुकाबले खेले और दोनों के दोनों महामुकाबले में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया है, जहां भारतीय टीम ने सबसे पहले तो आयरलैंड को कुचलकर 60 रन से अपना परचम लहराया था। दूसरे महामुकाबले में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ जब टक्कर हुई तो उस महाभिड़ंत में पाकिस्तान को भी एक लो स्कोरिंग महामुकाबले में कुचलकर रख दिया और 6 रन से जीत हासिल करके T20 विश्व कप 2024 के पॉइंट टेबल में ग्रुप ई में टॉप कर रखा है। वहीं पर इसी ग्रुप में दूसरे स्थान पर सभी सोच रहे थे पाकिस्तान टीम रहनी चाहिए थी, मगर पाकिस्तान टीम फिसड्डी निकली, जहां पहले महामुकाबले में अमेरिका जैसी टीम ने उसको सुपर ओवर में हरा दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम दूसरे महामुकाबले में भारतीय टीम से हारी। हालांकि एक महामुकाबला कनाडा के खिलाफ हुआ जीत गई है, मगर वह अभी बहुत पिछड़ गई है। तो ऐसे भी दूसरे स्थान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की टीम जा रही है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की टीम ने सबसे पहले तो पाकिस्तान को हराया, उसके अलावा कनाडा को भी हराया। तो ऐसे वह दूसरे स्थान पर चल रही है और अपने ग्रुप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले और दूसरे ग्रुप पर मौजूद टीम है, यानी भारत और अमेरिका के बीच में आज सबसे बड़ी महाभिड़ंत होने वाली है। जहां पर 2024 के अगर T20 विश्व कप की बात करें तो इसके लिए चार ग्रुप में टीमों को डिवाइड किया गया है। ऐसे में चारों ग्रुप में पांच पांच टीमों बांटी गई है, 20 टीमें कुल खेल रही हैं। ऐसे में हर ग्रुप की टॉप टू टीमें सुपर एट बनेंगी। ऐसे में हर ग्रुप में पहली और दूसरे नंबर पर मौजूद टीम सुपर एट के लिए जाएंगी, बाकी सब टीमें बाहर हो जाएंगी। ऐसे में आज ग्रुप एक में भारत और अमेरिका में जो भी टीम जीतेगी उसका सुपर एट में पहुंचना पक्का हो जाएगा। ऐसे में सुपर एट में पहुंचने के लिए दोनों की इज्जत दांव पर लगी है, तो भारतीय टीम भी चाहेगी कि इस महामुकाबले में जीत हासिल करे। दूसरी तरफ अमेरिका टीम भी अपनी पूरी दम लगा देगी, वह भी चाहेगी आज जीत कर सुपर एट में प्रवेश करे। हालांकि भारतीय टीम की उम्मीद जीत की ज्यादा है, मगर अमेरिका को कमजोर समझना गलत होगा क्योंकि न्यूयॉर्क की पिच बहुत ही खतरनाक बर्ताव कर रही है। अभी तक इस साल सर्वाधिक स्कोर 135 रहा है, तो ऐसे में इस साल T20 विश्व कप में कोई बड़ी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पा रही, तो ऐसे में छोटी टीमें भी पलटवार कर रही है। सबसे बड़ी बात की जाए तो इस महामुकाबले से पहले अगर हम इस महामुकाबले के बारे में बताएं, यह महामुकाबला आज यानी कि 12 जून 2024 को खेला जाने वाला है। आज इस महामुकाबले की शुरुआत भारत समय अनुसार रात को 8 बजे से होने वाली है। इसके लिए टॉस रात को 7:30 को फेंका जाएगा। वहीं पर इस महामुकाबले की अगर वेन्यू की बात करें तो यह महामुकाबला अमेरिका के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले से पहले अमेरिका और भारत के T20 इंटरनेशनल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कोई महामुकाबला नहीं खेला गया है। तो इस साल के महामुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हेड टू हेड तो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में इस महामुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग का आप लुप्त सीधा डिजी प्लस हॉटस्टार मोबाइल पर फ्री में देख सकते हैं। अगर कंप्यूटर पर और कहीं देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जबकि स्टार स्पोर्ट क्रिकेट पर आप इसका सीधा लुप्त टीवी पर उठा सकते हैं। यह तो हो गई लाइव प्रसारण की बात। अगर हम इसके लिए भारतीय टीम की तैयारियों की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार और अपनी रणनीतियों का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 11 बुके शेरों का ऐलान कर दिया है, जहां पर भारतीय प्लेइंग 11 में उन्होंने बतौर ओपनर बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें पिछले दो महामुकाबलों में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी विराट कोहली और रोहित शर्मा के हाथों में थी, मगर इस महामुकाबले में यशस्वी जायसवाल की भारतीय टीम में वापसी कराई है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे, जहां पर अगर हम
रोहित शर्मा की बात करें, साल 2024 में इनका पल्ला जिस तरीके से चल रहा है ना, वह है कमाल का है। पिछले महामुकाबले में जरूर है 13 रन पर आउट हो गए थे, मगर उससे पहले शानदार 68 की पारी खेली थी, रिटायर्ड हेडों का आयरलैंड के खिलाफ गए थे। IPL में शार शतक ठोक चुके हैं, लंबे लंबे छक्के और गजब के चौके लगाकर अच्छी काजी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अगर इनका पल्ला चला तो आज अमेरिका की तो खैर नहीं। दूसरी तरफ जयसवाल का तूफान आप सभी ने पिछले साल देखा ही होगा। पिछले साल की IPL से लेकर जब उनका पल्ला चला, भारतीय टीम में डेब्यू से लेकर अभी तक लगातार लंबे के चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं और अच्छी खासी पारियां खेलकर अपनी टीम को अकेले दम पर जिता सकते हैं। इसके अलावा तीसरे स्तर पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज दुनिया के नंबर वन किंग कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। विराट कोहली बेहद ही शानदार बल्लेबाज है और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी भी टीम का तूफान रोक सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं। चेजिंग कैपेसिटी इनकी नंबर वन है, इनके पास शॉर्ट सिलेक्शन और हर महामुकाबले में चल रहा है, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है इस महामुकाबले में अमेरिका को इनके तूफान से बचकर रहना होगा। चौथे स्थान पर अब दुनिया के सबसे खतरनाक बेताज बादशाह T20 के नंबर वन क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को मौका दिया गया है। सूर्यकुमार यादव बेहद ही शानदार बल्लेबाज है और अकेले दम पर मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कुछ समय से इनका बल्ला ठंडा है, IPL में एक शतक छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी पारियां नहीं निकली। इसके अलावा T20 विश्व कप में अभी तक ठंडा बल्ला रहा है। ऐसे में इस महामुकाबले वापसी करेंगे छोटी टीम के खिलाफ या अच्छी वापसी करके आज अमेरिका को उसके घर में रौंद देंगे। जबकि पांचवें स्थान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस साल ऋषभ पंत ने जब IPL में वापसी की तो कमाल का प्रदर्शन करके दिल्ली की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए। उसके बाद जब इनका T20 विश्व कप में सिलेक्शन हुआ तो उसमें भी इन्होंने लगातार बल्लेबाजी करके तूफान मचा दिया, चाहे वार्म अप महामुकाबले में अर्शद तक और पिछले महामुकाबले में 42 रन की भारतीय टीम की तरफ से सबसे खतरनाक जुझारू पारी हो। विकेट कीपिंग अंदाज इतना शानदार कि कोई कैच छोड़ नहीं रहे, तो इनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल चल रहा है, इनसे भी अमेरिका को बचना ही होगा। जबकि छठवें स्थान पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। भारतीय टीम के अरब मौला खिलाड़ी और तूफानी ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में कमाल करते थे, मगर इस साल हुआ अलग ही अंदाज में गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं। IPL में ऑलराउंडर प्रदर्शन मुंबई की तरफ से दिखा, उसके बाद अब विश्व कप में भी लगातार गेंदबाजी करके सभी का कमाल कर रहे हैं। उन्होंने 12वें महामुकाबले में तूफानी 40 रन की पारी खेली, 2 विकेट लिए, उसके बाद हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। ऐसे में इनकी तूफानी बल्लेबाजी ऑलराउंडर आपको प्रदर्शन दिखाई देगा। जबकि सातवें स्थान पर एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले। वैसे तो रविंद्र जडेजा गेंदबाजी ऑलराउंडर माने जाते हैं, मगर इस साल IPL में जब उनको टॉप ऑर्डर में उतारा गया तो खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई। अच्छी खासी बल्लेबाजी के लिए सक्षम माने जाने वाले जडेजा की अगर गेंदबाजी चलती है तो वह किसी भी टीम को चल सकते हैं। इस महामुकाबले में अमेरिका को इनके ऑलराउंडर प्रदर्शन से सतर्क रहना ही पड़ेगा। आठवें स्थान पर बड़ा बदलाव करते हुए अभी अक्षर पटेल को रेस्ट दिया है और कुलदीप यादव को भारतीय टीम में मौका मिला है। जहां पर भारतीय टीम के चाइना मैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खतरनाक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और अकेले दम पर पूरे मुकाबलों को पलट सकते हैं, और यह इन्हें हालिया समय में करके दिखाया। जब जब इनको मौका मिलते हैं अकेले दम पर मुकाबलों को पलट देते हैं। इस महामुकाबले में अमेरिका को भी इनसे डर कर रहना ही पड़ेगा। जबकि 9वें, 10वें, 11वें स्थान पर 3 घातक तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। 9वें स्थान पर दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज और मौजूदा समय में सबसे खतरनाक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह खेलते दिखाई देने वाले हैं। पिछले 2 महामुकाबलों में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करके मुकाबले को पलट कर रख दिया। पिछले महामुकाबले भारतीय टीम मार रही थी तो पाकिस्तान को कुचलने के लिए 3 विकेट लेकर आए, मुख्य जीत के जिम्मेदार रहे। उससे पहले आयरलैंड को भी कुचलकर मैन ऑफ द मैच रहे, तो इनकी एक अलग ही रुतबा चल रहा है, जो कि खतरनाक वेरिएशन के साथ इनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है, अकेले दम पर मुकाबलों को पलट सकते हैं। तो 10वें स्थान पर एक और मिनी बुमराह यानी कि हरदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले महामुकाबले में शानदार गेंदबाजी की, अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए था, इन्हें अंदर गेंदबाजी करके सामने वाली टीम पाकिस्तान को रोक रखा और 6 रन से भारतीय टीम को मुकाबला जिता दिया। तो ऐसे हरदीप सिंह का भी कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होगा। और 11वें स्थान पर मियां मैजिक यानी कि मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मियां मैजिक से अमेरिका को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इनकी जो गेंदबाजी है पिछले महामुकाबले में सबने देख रखी है। पाकिस्तान के बल्लेबाज तो छू नहीं पा रहे थे, दिख नहीं रही थी, तो ऐसे में इनका वेरिएशन, शानदार गेंदबाजी और तेज स्पीड कमाल कर देगी। यह तो घातक प्लेइंग 11 है जो अमेरिका को उसी के घर में कुचलने के लिए तैयार। तो आपको क्या लगता है, USA जैसी खतरनाक टीम को भारतीय टीम इस महामुकाबले में कुचल कर इतिहास रचेगी या हार जाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।